फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपका पेपर आएगा, इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं आपको कुछ 25 से लेकर 27 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसके अंदर से आपका पेपर आने वाला है। ये जो वीडियो बन रही है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बन रही है, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इनको हिंदी में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे वो बताने वाला हूँ। पहले वाले में जो है 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कितने 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 6 के 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं, और इसमें से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी मैं टिक लगवा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो बच्चों क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अक्सर ज्यादा देखा कि सेकेंड ईयर में पूछा जाता है, बट ये फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। याद रखना, जो इकोनॉमिक्स है आपकी सबसे ज्यादा जो बैक है वो इसी सब्जेक्ट में आती है बच्चों की, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, और खासकर जो आती है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के इसमें आती है, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें सबके सब, हिंदी भी और इंग्लिश मीडियम दोनों। तो पहला है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा आपके पास है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें आपने 3 प्रॉब्लम पढ़ी थी अगर आपको याद हो, व्हाट हाउ और फ्रॉम हूम, यानी किसके क्या कैसे और किसके लिए आपको प्रोडक्शन करनी है समथिंग। तो डिफाइन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। देन हाउ द स्कैसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कैसिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस गो टुगेदर, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको आप शॉर्टकट में पीपीसी बोलते थे, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको ये भी बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कर्व भी बोलते हैं, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती थी या इसके फीचर्स बोल लो, ठीक है, तो वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, राइट द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको बतानी है, और साथ में एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको याद हो आपने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो इसमें कुछ बच्चों ने 11th पढ़ी है तो कुछ 12th में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको बतानी है, और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए दो तरह थे, 1 गुड के केस में और 2 गुड के केस में। तो जो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो बनता है वो बनता है आपके लिए 2 गुड्स वाला, यानी इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। और बाद अगला क्वेश्चन है वही कि एक्सप्लेन द वही राइट द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का ही आपको डिटरमिनेशन बताना है बाय डिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी आईसी कर्व की मदद से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताना, उसके डिटरमिनेशन के बारे में बताना है। तो ये पहले 6 क्वेश्चन आपने देखे, इन 6 क्वेश्चन में से भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा पेपर उसी के अंदर से आने वाला आपका। तो कोशिश ये करना कि जगह जगह ना जा करके आप सिर्फ 25-27 क्वेश्चन पढ़ लेना, जिनमें से कम 20 से लेकर 22 क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी 12th या 11th में देखे होंगे, तो वो आपके लिए वैसे ही ईजी होंगे। उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, पेपर कैसे किया जाता है, वो हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन के आसपास 20 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे, बाकी क्वेश्चन देख लेना है। बच्चे देखो यहाँ पे जो है जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाला क्वेश्चन है 1, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है ध्यान देने वाला है इसमें 2, देन 3, और ये 4। ये चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2, 4, 5 और 6। आगे चलते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, क्या है, व्हाट इज आईसी कर्व या इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द फीचर्स। यहां तक ये जो 2 पॉइंट है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व और व्हाट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये वही आपका माइक्रो का कॉन्सेप्ट है,
मगर यहाँ पे जो वर्ड है ये आपको नया पढ़ना है, एक्सेप्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यानी ऐसे कौन से पॉइंट्स है, यानी ऐसे कौन से रूल्स है या फिर ऐसे कौन से एक्सेप्शन है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा में पढ़ना है, पढ़ना है ये नया कॉन्सेप्ट आपके पास। What is indifference curve? Explain the features of indifference curve and exceptions of indifference curve. इसको जो माइक में जो पढ़ाई जाती थी तो कोई टीचर थोड़ा बहुत बता देते थे उस टाइम पे, बट इसका ज्यादा उस टाइम पे कोई यूज नहीं था, बट आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। आगे हमारे पास है डिफाइन, एक काम करो सातवें के बाद आकर यहाँ पे आओ जरा, ग्यारहवा क्वेश्चन, ग्यारहवा क्वेश्चन पे आओ। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये भी न्यू है आपके लिए, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी पीसीसी क्या होता है? एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ पीसीसी यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व। आपको डिमांड कर्व पर डेरिवेशन को एक्सप्लेन करना है किसकी हेल्प से? पीसीसी की, और साथ में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी आईसी कर्व की मदद से आपको पीसीसी जो डिमांड कर्व के जो डेरिवेशन है उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है वो बताना आपको, साथ में डिमांड कर्व का डेरिवेशन बताना है किसकी हेल्प से? प्राइस कंजम्पशन कर्व और साथ में इंडिफरेंस कर्व की मदद से। तो ये क्वेश्चन आपके पास नया है, दो हो गए। उसके अलावा अब आओ आठवें क्वेश्चन पे जहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड क्या होता है और नब्बे में लिखा है सप्लाई क्या होता है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। और उसको अफेक्ट करने वाले जो उसके डिटरमिनेंट्स होते थे, जो फैक्टर्स होते थे वो बता दो। ये क्वेश्चन आठ से लेकर दस नंबर में पूछ लिया जाता है, सात आठ दस में आया था कि डिफाइन करो डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन बताओ, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड यानी डिमांड सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। तो ये आपके पास दो बेसिक क्वेश्चन और आ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ही बता दो, जिसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है ना वो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताओ। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन, देखो कुछ डिफरेंस मैं आपको क्वेश्चन वाइज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बाकी जो डिफरेंस होंगे मैं अलग से क्वेश्चन बना करके उसमें आपको लिख के दिखाऊंगा लास्ट में। लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है फुल, आपको ये पूरे अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अच्छे से पढ़ना है, खासकर ये वाला लॉ। इसमें आपको इसका डायग्राम जो इसका कर्व बनता था जिसमें टीपी एमपी आप शो करते हो और एपी भी शो कर देते हो वैसे तो आप उसको बनाओगे, साथ में शेड्यूल तैयार करना आपने, इसमें टेबल बनानी है इसके अंदर। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर जिसको हम क्या कहते थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं यही लॉ। यहाँ पे जो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता था ये आपका लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता था, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अगला है एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है ये बताना आपको, साथ में किसकी हेल्प से बताना है ये? SAC की मदद से, SAC यानी SAC यहाँ पे है शॉर्ट रन, क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यानी आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को की डेरिवेशन बतानी है, वो कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है, किसकी हेल्प से? SAC की हेल्प से बतानी है आपको। और लास्ट क्वेश्चन आपको कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, जो आपका AC कर्व होता है, जो आपका ABC कर्व होता है, वो यू शेप का होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, जो कि 5 से 7 में पूछ सकता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो आप ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपकी ये बुक में मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कुछ या मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 11th में मिल जाएंगे जहाँ से आप जो भी आपने बुक पढ़ी है, ठीक है। 11th में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहले माइक्रो जो होती थी वो 12th में होती थी, देन वो क्या नाम है चेंज होकर 11th में कर दी गई थी उनको, ठीक है। तो 11th जिसको जो बुक पढ़ी है वो उससे पढ़ सकता है। अब इन क्वेश्चन को आपको जहाँ लिखना है उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, और सिर्फ इतने क्वेश्चन जो मैंने बताया वो पढ़ने हैं, देन आपका
पूरा पूरा आराम से निकल सकता है, अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताए कितने, 7 से 14 और क्वेश्चन बता दिए, जिसमें से आपको जो मेनली जो आपको पढ़ने पढ़ने हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है आपको 10वां क्वेश्चन पढ़ना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। उसके बाद 11वां बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, 12वां आपको पढ़ना है और आपको 13वां आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये कुछ क्वेश्चन, वैसे तो आपको सारे पढ़ने थे, वो 25 क्वेश्चन पढ़ने में कुछ जाता नहीं, इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ने से बढ़िया आप 25 क्वेश्चन पढ़ो और पास हो जाओ और अच्छे नंबर भी ले आओ, क्योंकि पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। तो मैं आगे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, आपके पास यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19 आपके पास कुछ क्वेश्चन और हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंस और कुछ डेफिनेशन वाले क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, देन ये ओके कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर आ रहा है कि रिलेशनशिप बताना आपको एसी और एमसी के बीच में, या फिर एपी और एमपी पूछ लेता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, एसी और एमसी के बीच में रिलेशन बताना, ठीक है, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है, या फिर एपी और एमपी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। 16 क्वेश्चन आपके पास है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, और इसके फीचर्स भी बताने आपके हाथ में, क्या बताने, फीचर्स भी बताने होते हैं। तो ये आपको पढ़ने पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आपके पास दे सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है यहाँ से उठ करके, जो मार्केट वाला चैप्टर है क्वेश्चन उठता है वो यहाँ से उठता है, मोनोपोली के ऊपर और मोनोपोलिस्टिक के ऊपर डिफरेंस पूछ लेता है, कई बार कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है वो याद रखना, मोनोपोली को भी वो मोनोपोलिस्टिक लिख देता है, ठीक है, एसओएल में पेपर में गड़बड़ी यानी उटपटांग से लिखने का तो रिवाज रहा है, तो मोनोपोलिस्टिक वर्ड वहां वर्ड मोनोपोलिस्टिक लिख देते हैं, यहाँ भी मोनोपोलिस्टिक लिख देते हैं। पहचान याद रखना हमेशा कॉम्पिटिशन होगा तो इसकी बात कर रहा है, कॉम्पिटिशन नहीं है वहां पे तो मोनोपोली की, मोनोपोली में सिर्फ एक फर्म होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना कॉम्पिटिशन किसके पीछे लगा हुआ है, तो दोनों को मोनोपोलिस्टिक लिख दें, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन ढूंढना है, कॉम्पिटिशन जिसके पीछे लिखा है वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो जाएगा, जो विदाउट कॉम्पिटिशन वाला लिखा हुआ है वो आपका क्या मोनोपोली ही होगा, जिसमें आपकी एक फॉर्म होती है। तो आपको चारों पढ़नी है, बेसिक सा चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर था, इनके फीचर्स पढ़ के याद रखने हैं, अभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, कि प्राइस का प्राइस कैसे निकाला जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, एंड एक्सप्लेन हाउ प्राइस एंड आउटपुट, प्राइस यानी टी आउटपुट यानी क्वांटिटी यानी यूनिट्स, ठीक है, डिटरमाइन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइस में चेंजेस होते हैं। तो उसने बोला कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर कैसे आप प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हो वो बताओ, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रखना है, व्हाट इज प्राइस डिटरमिनेशन और आप कैसे प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करोगे, किसमें डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में कैसे इसको डिटरमाइन करोगे, यानी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब जहाँ पे प्राइस में क्या होती हो, डिस्क्रिमिनेशन होती हो, भेदभाव होती हो, चेंजेस होते हो, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, यानी फर्म्स इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताना है, किसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, किसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म्स इक्विलिब्रियम को समझाना है, और इसके अप्रोच से समझाना है। देखो यहाँ पे लिखा एमसी एमआर अप्रोच लगानी है, क्या लगानी है, एमसी और एमआर अप्रोच लगानी है, जहां पे ये बराबर होता है वहां पे क्या था आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फर्म्स इक्विलिब्रियम लेवल पे आया था, तो आपको वो अप्रोच समझानी है जहां पे आपका एमसी और एमआर दोनों इक्वल हो जाते हैं, एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से कट करता हुआ चले जाता, समथिंग आपने अप्रोचेस पढ़े हैं, दो अप्रोच दो तीन तरह की चीजें पढ़ी थी, तो ये अप्रोच को समझानी है, एमसी और एमआर अप्रोच समझानी है किसके अंदर फर्म्स इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, वो भी किसके लिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर। एक क्वेश्चन और बनता है इसी से रिलेटेड कि AR बराबर MR बराबर P बराबर D, ये आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देखने को मिलता है, ऐसा क्यों, AR बराबर MR बराबर P बराबर D, ठीक है, और AR और P तो एक ही सेम ही होते हैं आपको पता ही है, तो AR बराबर MR बराबर P बराबर D परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखने को मिलते हैं क्यों, तो ये भी आप इसके साथ साथ पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ फर्म्स हैव एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन इन शॉर्ट रन, अगर फर्म्स के पास एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन है शॉर्ट रन में, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इसमें नॉर्मल प्रॉफिट में, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में अगर फर्म को शॉर्ट रन में अगर एबनॉर्मल गेन अगर मिल रहा है, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा नॉर्मल गेन में, एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे नॉर्मल प्रॉफिट में
कन्वर्ट हो जाएगा किस केस में, आपको परफेक्ट कॉम्प्लीशन बताना है। ये क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है इस तरह से, उल्टा मतलब इस तरह से कि अगर फर्म को अबनॉर्मल नहीं बोलते हैं, लॉस ही बोलते थे, अगर फर्म को लॉस हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा है, तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट में इन केस ऑफ परफेक्ट ऑपरेशन। तो इसके अंदर ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फर्म को एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म मतलब जहाँ पे टाइम पीरियड कम होता है, तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट में, एक तो ये हो गया। दूसरा या फिर यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, फिर वो कैसे दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करो किसके अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन अंदर। तो ये आपके 19 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको सिर्फ डिफरेंसेस और डेफिनेशन बताने वाला हूँ। डेफिनेशन मतलब ये मत समझना कि वो दो तीन नंबर की है, 5, 10, 15 किसी में भी हो सकता है, ठीक है, इवन 15 नंबर में भी उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं, पहले डिफरेंसेस एंड देन क्वेश्चंस। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंसेस यानी जिसके बारे में डिफरेंस आप पेपर में पूछ सकता है, पहला है एक्सपेंशन इन डिमांड, दूसरा है इंक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन और इंक्रीज इन डिमांड ये बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस आ सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन बोल सकता है और डिक्रीज बोल सकता है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, दो ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। उसके अलावा आपके पास मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले बताया कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पता हो, याद हो, तो उसमें तीन थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, और देन आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो नए बच्चों के इसमें साथ हटा दिया था, तो उनको इसके बारे में थोड़ा पता नहीं होता, बट अब आपको पढ़ना है, प्राइस भी पढ़ना है, इनकम भी पढ़ना है, क्रॉस भी पढ़ना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी समझो तीनों पढ़ लो, इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस ही हो गए। देन मैं आपको डेफिनेशंस के बारे में बता दूं जो कि आपको पढ़नी है। दोस्तों यहाँ पे है लिखा हुआ राइट शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, ये लास्ट क्वेश्चन होता है आपके उसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके चाहे तो वो 10-10 में सिर्फ 2 पूछ सकता है कोई, 5-5 के हिसाब से 4 भी पूछ सकता है, या अकेला इनमें से कोई क्वेश्चन बीच में भी आ जाता है, 15 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने जो इस तरह लिखे हैं ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं वाले, और ये वो हैं जो कभी कभार पूछे जाते हैं, ये भी आते हैं यहाँ पे। मैं सारे नाम एक बार बता देता हूँ आपको। कंज्यूमर सरप्लस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर आपके क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में पढ़ाना बताना होता है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस को बताना है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में बताना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बातें। ये जो है क्वेश्चन दोबारा बोल दूँ, इस तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लैंग्वेज जो सीरियल का लगा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट वाइज लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके अलावा इकोनॉमिक रेंट हर दूसरे पेपर में आता है कि इकोनॉमिक रेंट को बताइए, डिफाइन करिए, इसके बारे में लिखिए, बच्चों को ये पता ही नहीं होता इकोनॉमिक रेंट होता क्या है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंशन पाथ, प्राइस सीलिंग, ये फिर दोबारा वही कॉन्सेप्ट आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका 11th-12th में था, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइस सीलिंग, ये भी आपका था, लास्ट चैप्टर था प्राइस सीलिंग के ऊपर, यानी मैक्सिमम प्राइस रजिस्ट्रेशन, देन फ्लोर प्राइस, इसमें मिनिमम प्राइस की बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ब्लैक इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है, साथ में मिनिमम वेज रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, वेज WAGE वेज, मिनिमम वेज रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। स्विजिस किंग डिमांड कर्व, ये भी आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा, स्विजिस किंग डिमांड कर्व, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादातर जो है ना आपको नए लग रहे होंगे, कंज्यूमर सरप्लस, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक रेंट, एक्सपेंशन पैथ, ठीक है, एक्सपेंशन पाथ हो गया, प्राइस सीलिंग, फ्लोर प्राइस, ब्लैक इकोनॉमी, इनका दूसरा नाम यहाँ पे प्राइस सीलिंग मैक्सिमम वाली बात करते हैं, फ्लोर मतलब मिनिमम की बात करेगा, ब्लैक इकोनॉमी, मिनिमम वेज रजिस्ट्रेशन, स्विजिस किंग डिमांड कर्व हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ये भी काफ़ी पूछ लिया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके इस तरफ जो है। देन कुछ और भी आपके पास, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन,
मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आपके पास एक पॉइंट है, उसके अलावा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स, एक्सेस कैपेसिटी, डंपिंग, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, या इसको ये भी बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर कर्व, उसके बाद गेम थ्योरी, प्रिजनर्स, प्रिजनर्स मतलब जो कैसे टाइप का होता है, प्रिजनर्स डिलेमा, उसके अलावा डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस या इसका नाम ढंग से देखे तो उसका एक दूसरा नाम भी है एलोकेटिव इनएफिशिएंसी अंडर मोनोपोली, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी अंडर मोनोपोली। बच्चे देखो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा अगर आपको एक क्वेश्चन और देखना है तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर ना उसको निकालने के कुछ मेथड्स होते थे, यानी कुछ क्या जैसे आपका परसेंटेज मेथड हो गया, प्रोपोर्शनेट मेथड हो गया, उसी को कहते थे परसेंटेज प्रोपोर्शन मेथड, उसके अलावा जो आपका और मेथड आता था, ठीक है, वो आपका था पॉइंट मेथड, एक था परसेंटेज मेथड जिसको प्रोपोर्शन मेथड भी बोलते हैं, उसके बाद आपका एक था पॉइंट मेथड था, उसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था, और एक और है आर्क मेथड, क्या आर्क मेथड, तो चार मेथड है, इनको भी आप एक बार देख लेना, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और आर्क मेथड, डन। और जो डिग्रीज होती है, डिग्रीज कौन सी, जिसमें आपका नाम है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के बारे में बताते हो, साथ में क्या नाम है यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन लेस देन, ये आपने सप्लाई में पढ़ा हुआ है और डिमांड में पढ़ा हुआ है, ये कभी कभार ये भी पूछ लेता है, लास्ट पेपर में भी ये आया हुआ है क्वेश्चन ये कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताओ, जिसमें आपको परफेक्टली इलास्टिक कर्व के बारे में वही दूसरा परफेक्टली इलास्टिक के बारे में बताना था, यूनिटरी के बारे में बताना था, साथ ही आपको क्या नाम है मोर देन लेस देन बताना होता है, ठीक है। तो बच्चों तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर इसी के अंदर से पेपर आना है, और लास्ट में जो दो क्वेश्चन बताया इनको भी आप ऐड कर लेना है यहाँ पे, परसेंटेज जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को कैलकुलेट करना तो उसमें परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर, आर मेथड होते हैं, चार मेथड है ये भी देखना है, और साथ में डिग्रीज ऑफ किसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया होगा पहले तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिक सप्लाई, जिसमें आपको पांचों बताने हैं, मोर देन लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटी इलास्टिक के बारे में बताना है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।